राग का लक्षण। मैं सिर्फ आपको डिस्कस ऊपरी तौर पे राग के लक्षण बता पाऊंगा, आज डिटेल में इसका पार्ट टू भी बनाऊंगा राग लक्षण का, उसमें अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सर्वप्रथम मैंने आपको क्या बताया था कि राग होती क्या है, सिर्फ 5 मिनट का मेरा डिस्कशन रहेगा राग पे। राग मेरा क्या होता है, जो कि चित्त का रंजन करे, द मेलोडी समथिंग विच इज प्लीजिंग टू आर इयर्स, जो चित्त का रंजन करे। अब चित्त का रंजन कैसे होता है, तो वो राग साहब राग की चलन होती है। मैंने आपको बताया था राग एक कंप्लीट पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी तो उसकी एक चलन भी होगी, एक चाल होगी उसकी, जिसके द्वारा वो परिलक्षित होती है। तो राग में जिस प्रकार हमारे पांच क्या है, हमारे 5 सेंस ऑर्गन है जिससे हमारा 5 तत्वों का शरीर बना हुआ है, उसी प्रकार राग के भी 10 लक्षण हैं, वो हमको जानने हैं, उससे पूरा मेरा राग तैयार हो जाएगा। क्लियर हो रहा है आपको? तो राग में होता क्या क्या है, सिर्फ ऊपरी तौर पे आपको बता रहा हूँ, डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर पूरा डिटेल में इसको समर्पित करूंगा। मैंने यहाँ पे लक्षण लिखे हैं, हर एक राग में आरोह अवरोह होता है, आरोह असेंडिंग, अवरोह डिसेंडिंग। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक राग सिखाऊंगा भोपाली। अब आरोह अवरोह एक तो होता है सपाट, बहुत ध्यान से सुनिएगा एकदम कंसंट्रेशन से, एकदम एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। आरोह अवरोह दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो है सपाट, सपाट अर्थात एकदम सीधा ऑर्डर वाइज स्वर आए जिसमें, एक होता है वक्र अर्थात जिगजैग टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं स्वर। आरोह अवरोह, आरोह ऊपर जाना, अवरोह नीचे उतरना। एक राग सिखाऊंगा आपको राग भोपाली, सारे गा पा साधा पा गे सा, 5 सुर का राग है। एक राग में मैंने आपको बताया था तीसरे लेक्चर में, आप देखिएगा एक राग में कम से कम कितने स्वर हो सकते हैं, 5, ज्यादा से ज्यादा 7। ये राग भोपाली सपाट जाता है एकदम, अर्थात ऑर्डर वाइज स्वर है, सारे गा पा दा सा धा पा गा रे दा रे सा रे गा गा पा दा सा। परंतु ऐसे भी राग हैं जो वक्र चलते हैं। देखिए एक राग कराऊंगा आपको मैं शानदार गजब का राग, राग बढ़िया एकदम इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे अपन, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। सा धा नी पा दा मा पा गा, अब सा के बाद सीधा धा गया, लेकिन आता क्या है, रे आता है ना, लेकिन सा के बाद धा लग रहा है, चलन वक्र हो गई, सीधी नहीं है ना चलन इसकी, टेढ़ी मेढ़ी है। सा धा नी पा दा मा पा गा पा धा पा गा रे नी सा धा नी पा दा मा पा गा पा धा पा गा रे धा रे सा। ये राग बढ़िया। तो ये आरोह अवरोह ये हर राग में मैं आपको करूंगा, असेंडिंग डिसेंडिंग, असेंडिंग वक्र भी हो सकता है और सपाट भी हो सकता है। हर राग की एक पकड़ होती है, एक यूनिक आइडेंटिटी जिससे राग पहचान में आता है। अब एक राग सिखाऊंगा आपको राग यमन, धनी रे गे सा, ये पकड़ है अर्थात जिससे राग को पकड़ लो आप। द कॉम्बिनेशन ऑफ नोट थ्रू विच यू कैन रिकॉग्नाइज द राग, इसको मैं कहता हूं पकड़। जैसे मेरे घुंघराले बाल हैं, मैं जा रहा हूं आप पकड़ लोगे यार घुंघराले बाल रोहित, मतलब एक आइडेंटिटी होती है राग की, स्पेसिफिक आइडेंटिटी जो उस राग में हो। ये कल्याण अंग है, तो इससे आप फटाफट पकड़ लोगे कि हाँ ये कल्याण है, ठीक है। तो ये राग की पकड़ होती है, ये हम हर राग में सीखेंगे। अब मैं आपको राग सिखाऊंगा तब आपको और क्लियर होगा ढंग से, अभी आपको सिर्फ ऊपरी तौर पे जानना है कि हाँ राग में आरोह अवरोह होता है, आरोह ऊपर जाना अवरोह नीचे आना, हर राग में पकड़ होती है अर्थात जिससे मैं राग को आइडेंटिफाई कर लूं। फिर हर राग में वादी संवादी अनुवादी और विवादी स्वर होते हैं। राग का राजा स्वर वादी, राग का मंत्री अनुवादी, ठीक है, बाकी मंत्री के जो नीचे सहकर्मी जो होते हैं सेवक,
इसको मैं क्या कहता हूं, अनुवादी। और राग का शत्रु विवादी, कुछ भी समझ टेंशन मत लीजिए, आप तो इतना जान लीजिए जो राग में, जो राग की चलन डिसाइड करे वो वादी स्वर है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं एक राग का, एक राग है जय जयवंती, गजब का राग है, मजा आ जाएगा आपको सीख के और आप सीख भी जाएंगे। अब उसका वादी स्वर है रे, जो राग में बार बार आए जिसकी पुनः वृत्ति हो वो वादी स्वर है। जाने जादा नीरे, मैं आपको प्रूफ कर रहा हूँ कि जय जयवंती में रे क्यों है वादी, प्रूफ कर रहा हूँ आपको। जाने जादा नीरे गारे नी सादा नीरे गामा पमा गामा रे गारे धानी रे गारे गारे नी सा। इतना इम्पोर्टेंट कि सा जो कि राग रूपी साम्राज्य का सबसे इम्पोर्टेंट स्वर, सा तो भाई वर्जित ही नहीं हो सकता कभी। ये जो भी तानपुरा जो चल रहा है ये साई है, लेकिन साहब इसने तो सा को भी बीट कर दिया। सा नी सा दा नी रे गारे दा मा पा मा दा मा रे गारे दा नी रे पा रे गारे नी सा रे मा पा दा मा पा दा गा मा रे गारे नी सा दा नी रे पा रे गारे नी सा। तो ये हो गया, मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि वादी स्वर की इम्पोर्टेंस कितनी है राग में। उसी के हिसाब से आपका राग खड़ा होता है, उसी के हिसाब से आपका समय डिसाइड होता है। कि आगे आपको बताऊंगा समय कैसे डिसाइड हो रहा है वादी स्वर के अकॉर्डिंग। राग ये डिसाइड होती है कि पूर्वांगवादी या उत्तरांगवादी है, आपको ये पता चलेगा। मैं आगे आऊंगा इस पे, पूर्वांग क्या होता है उत्तरांग क्या होता है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। अभी सिर्फ आपको ये समझना है कि वादी स्वर क्या है मेरा, राग रूपी साम्राज्य का जो राजा है वो वादी स्वर, एज सिंपल एज दैट। दूसरा क्या होगा मेरा मंत्री साहब, जय जयवंती के थ्रू मैं आपको बताता हूँ संवादी स्वर, जो कि मंत्री वादी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्वर संवादी, समझिएगा। पंचम जय जयवंती का संवादी स्वर है प, देखिएगा। सा नी सा दा नी रे गा मा पा मा गा मा रे गा रे मा पा गा मा पा, जय जयवंती में देश रे मा पा धा मा पा धा गा मा रे गा रे मा पा धा गा मा रे गा रे नी सा दा नी रे पा रे। इसको कहता हूँ संवाद, वादी और संवादी में संवाद। संवाद अर्थात जो ध्वनि सुनने में कर्ण प्रिय हो वो मेरा संवाद है। पा रे पा रे सुनने में कितनी अच्छी लग रही है, ये संवाद है। तो वादी संवादी में संवाद होना बहुत जरूरी है। ये होता क्या है मैं आपको बताऊंगा, इसका रिलेशन किससे, माइक्रोटोन से, श्रुतियों से इसका रिलेशन है, मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा। तो समझ आया। अब रे और प के अलावा जो भी स्वर लग रहे हैं वो मेरे जय जयवंती के अनुवादी स्वर कहलाएंगे, अर्थात सेवक, राग रूपी साम्राज्य का जो सेवा करेंगे बेचारे। लेकिन राजा तो रे रहेगा, मंत्री क्या रहेगा, पंचम, बाकी के स्वर क्या है, अनुवादी। ये चीज तानों में भी दिखेगी आपको जय जयवंती की। तो वादी संवादी के अलावा जो स्वर है वो मेरे क्या हो गए, अनुवादी। अब ध्यान से सुनिएगा, जो आजकल हो रहा है विवादी स्वर, राग के शत्रु, अर्थात जो स्वर राग में लगते ही नहीं वो विवादी हो गए। अब ध्यान से बताइए, जय जयवंती में कोमल धैवत का यूज किया गया मैंने, सारा पदा, ये कोमल धा तो यूज नहीं होता, ये मैं लगा दूं तो ये राग का शत्रु का काम करेगा साहब। जो राग रूपी साम्राज्य में है ही नहीं स्वर, वो लगा दूं वो विवादी स्वर हो जाता है मेरा, एज सिंपल एज दैट। सिंपल मैंने इलस्ट्रेशन देके आपको समझाया, बाकी जब मैं राग चालू करूंगा बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली आपको बताऊंगा, आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया थाट, एक लक्षण पढ़ दिए थाट, थाट मैंने आपको 10 बता दिए। जिन्होंने मिस कर दिया मेरा लेक्चर, वो लेक्चर नंबर फर्स्ट और सेकंड जरूर देखिएगा, उसमें मैंने 10 थाट बताए हैं। तो हर राग एक थाट से उत्पन्न होता है, मैंने बताया था स्वरों का समूह जिसमें राग उत्पन्न करने की शक्ति हो, द कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स विच गिव बर्थ टू राग, दैट इज थाट। इंग्लिश में क्या था, पेरेंट स्केल, नाम ही है पेरेंट स्केल, जिसमें राग उत्पन्न करने की शक्ति हो। अब जय जयवंती बताई मैंने, ये राग क्या है, कमाज।
निरगारे सा यमन दाट गया कल्याण निधम प ग म नि ध प खमाच सारे नि ध प ध म ग रे ग नि सा राग देश थाट क्या खमाच समझ आ रहा। तो ये हर राग का एक थाट होता है, थाट कितने 10, इन 10 थाटों के अंदर हमारे सारे राग कैटेगराइज हो जाते हैं एस पर विष्णु नारायण भातखंडे जी की पद्धति। फिर एक लास्ट लक्षण और जान लीजिए कि हर राग का एक समय होता है। आप ब्रेकफास्ट करते हैं, बिना ब्रश करे आप मिठाई खा लेंगे क्या? नहीं खाएंगे ना। हर राग का एक निश्चित समय होता है, उस राग को उस टाइम पे गाओगे तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करेगी। समझ आ रही है? अब रात के 12 बज रहे हैं, आपको चिकना खिला दिया जाए बदहजमी हो जाएगी कि नहीं? ऐसे ही राग सुबह गाना चाहिए, लेकिन अब रात को गा रहे हो तो उतना असर नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं अपने प्रैक्टिकली इस चीज को मैंने फील किया, मैं अप्लाई करता हूँ। मैं अपने शोज में चालू किससे करता हूँ? या तो राग या यमन से चालू करता हूँ मैं। अब यमन में या तो मैं आयत उठा लेता हूँ, असर पड़ता है इसका, या फिर लाल इश्क ले लेता हूँ, ये लाल इश्क ये मलाल, ऐसा गाना लेता हूँ जो यमन पे आधारित हो। क्योंकि यमन का गायन समय क्या है? रात्रि का पहला पहर, अर्थात 6 से 9। मैं पहर बताऊंगा आपको क्या होते हैं, लेकिन मैं अभी इतना रफली जान लीजिए कि यमन का गायन समय क्या है? 6 to 9, वो राग का गायन समय है। उसको उसी टाइम गाओगे तो वो सबसे ज्यादा असर करेगी। ठीक है, तो हर राग में हम टाइम पढ़ेंगे। अब जैसे राग खमाज ये हो गए, ये भी रात्रि के राग हैं, लेकिन भैरव के आप प्रकार देखेंगे वो सुबह गाए जाते हैं, क्योंकि भक्ति रस प्रदान रागे हैं। तोड़ी सुबह गाई जाएगी, क्लियर हो रहा है? अब काफी के, काफी या फिर सारंग के आप अंग के राग लोगे, वृंदावनी सारंग, मध्यमात सारंग, ये दोपहर के राग है। तो हर राग का एक निश्चित समय होता है, उसको उसी टाइम पे गाना होता है। तो ये 5 लक्षण मैंने बताया आपको, इसको हम डिटेल में, इसका जो नेक्स्ट लेक्चर लूंगा मैं, वो मैं आपको उसमें आपको नोट्स भी दूंगा और डिटेल में बताऊंगा भी सही। तो अभी जितने भी आप लोग जुड़े हैं प्लीज इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो मेरी आज की मेहनत सफल हो जाएगी, और इसके बाद राग लक्षण पे हम अगला अपना लेक्चर लेंगे जिसमें आपको और डिटेल देंगे। थैंक यू सो मच।